बाबर आजम के खेल में वो चीज देखी है जो शायद 90s में सचिन तेंदुलकर की गेम में आ गई थी। सचिन को ना अपने आप को बहुत रोक के रखना पड़ता था कि मेरे पे टीम बहुत डिपेंड करती है। आप अगर वसीम भाई से या वकार भाई से या सकलेन से इवन शॉ भाई से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सचिन ने बहुत कम क्रिकेट अपनी मिड 90s के बाद खुल के खेली। वो उनको ये था मेरा विकेट है, रन बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। तो वो चीज अब मुझे बाबर में दिख रही है, बिकॉज साथ में जब तक सौरव गांगुली नहीं आए, राहुल द्रविड़ नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, फिर सहवाग नहीं आए, युवराज नहीं आए, सचिन रन बनाते रहे लेकिन आपको रोक के रखा। और सचिन एक मिसाल है रन मशीन क्या होती है, जिंदगी में बाकी चीजों को कैसे निकाला, वो मिसाल है। तो आई थिंक बाबर के लिए चैलेंज वही है। मुझे लगता है बाबर के खेल को पिछले 12 महीने में मैं बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रिल्स को ना कट डाउन तो किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन, बट क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे ऑन अ बिग डे, बिग मैच, बिग टीम, वो उनका चैलेंज रहेगा। गुड प्लेयर, अभी भी मेरा मानना है कि मैं देखता हूँ कि लोग उनको कंपेयर करते हैं कि विराट या स्टीव स्मिथ, अभी कंपेयर मत कीजिए। उन्होंने 100 बनाए हैं ट्रू 12 महीने में, बहुत 100 बनाए हैं, पर थोड़ा वेट कीजिए, बिकॉज मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, बाबर को आप असेस कीजिए उस दिन जब उनकी खराब सीरीज आएगी, जब उनका वक्त खराब आएगा, जब वो बुरे दौर से गुजरेंगे, वो आएगा जी। और कप्तानी भी है ना, अब तो कप्तानी, फिर कभी कभी आपकी कप्तानी आपकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट करती है, अच्छा बुरा दोनों। तो बाबर अगर फेल होंगे उस दिन या उस सीरीज के बाद हम बात करेंगे कि बाबर क्या विराट या स्टीव स्मिथ इस दौर में वहां है कि नहीं है, क्योंकि बुरे दौर से कैसे आप निकलते हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्या है। इनेविटेबल था ना, बाबर ने कप्तान बनना था। बाबर इज अ लीडर, मतलब ही इज योर बेस्ट प्लेयर, तो बाबर को कप्तानी मिलनी थी। अब बाबर कैसे मैनेज करते हैं, बाबर के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। बाबर आजम के लिए चैलेंज पता क्या होगा सर, ही विल हैव टू बिकम अ मशीन, रन स्कोरिंग मशीन। मैंने ना पीएसएल का फाइनल देखा था, और मतलब आई एम सॉरी टू से ऑब्वियसली आईपीएल का स्टैंडर्ड नहीं था, और पहले पहले वाली टीम ने इतने रन भी नहीं बनाए थे लाहौर में, और बाबर आजम ने आराम से चेज कर दिया और नॉट आउट आए। इनिंग में कुछ खास नहीं था, लेकिन इनिंग में खास था रनों की भूख। इनिंग में खास था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं दुनिया को दिखा दूं कि कवर ड्राइव कैसा होगा, फ्लिक कैसा होगा, कट कैसा होगा, पुल होगा। उन्होंने कहा मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाने की जरूरत, रन चाहिए मुझे जेब में और जीत चाहिए। आई थिंक वही उनका चैलेंज रहेगा। समहाउ मुझे लगता है कि बाबर आजम को, ठीक है 1 साल पहले आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी मुझे याद।